सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो गाइड्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत फ़िलहाल हो रही है घर से। तो फ़िलहाल यार मैं अभी नहा धो के हो चुका हूँ, बिल्कुल फ्री और एकदम फ्रेश हो गया हूँ आज नहा धो के, क्योंकि अभी मुझे कहीं जाना है। अभी तक मैं काम भी कर रहा था तो थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, कोई बात नहीं। पर अभी फ़िलहाल हम लोग कर रहे हैं रॉबिन उथप्पे का वेट, आएगा वो अभी। उतने में मैं भी थोड़े कपड़े कुपड़े पहन लेता हूँ, थोड़ा बाल बाल सेट कर लेता हूँ एकदम। बाकी मिलेंगे, सीधा मिलेंगे रोड में ऊपर, तो उससे भी मिलेंगे और व्लॉग भी वहीं से आगे शूट करेंगे गाइड्स। तो व्लॉग को अगर आपने एंजॉय करना है तो उसके लिए आपको पूरा व्लॉग पहले देखना पड़ेगा। तो गाइड्स, सबसे पहले आप मिलिए मिस्टर रॉबिन उथप्पा से। तो ये मिस्टर रॉबिन उथप्पा। तो दोस्तों, अभी हम निकल गए हैं। फिलहाल आज बंदा बोल रहा है कि ऑफ रोडिंग करनी है, तो इसको ले आते हैं थोड़ी लोकेशन पे। आज तक इस रोड में ना गाड़ी ना बाइक कुछ भी नहीं है, बस ये रोड। मतलब इसमें तो आती थी पहले गाड़ियाँ, और इसमें घास लग गया है। भाई रुक जाए एक मिनट यार। तो अभी यहाँ से नीचे के लिए भी निकाला था ये रोड, पर इसमें आज तक कुछ भी नहीं है, मतलब इधर गाड़ी बाइक कुछ नहीं है। तो आज हम लोग फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ से कुछ इस तरह का है नीचे को, पर ये रास्ता तो बना हुआ है। बंदा बोल रहा है कि मैं इसमें बाइक उतार दूंगा। बाकी आपको चेक कराते हैं अभी के सीन्स लाइव। ऑफ रोडिंग करेगा बंदा आज। बाकी एक बार ये व्यू चेकआउट करो यार, सामने का बहुत ही प्यारा। और इस बंदे को आप जानते होंगे भाई, एक बार विंड ब्लास्ट। तो हाय, रोड कुछ इस तरह का है, बहुत ही बहुत ही बहुत ही खतरनाक, एकदम खतरनाक वाला। तो यहाँ से नीचे के लिए खतरनाक है, थोड़ा सा टफ है भाई। गिरी हो ना बस तू, बाकी तूने हो वो लंबा नहीं पड़ी हो भाई। ओके 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 ओके। फिलहाल बंदे ने चढ़ा दिया बाइक भाई घर के बिल्कुल, ये सामने घर था और यहाँ पहुँचा दिया बंदे ने बाइक। अब थोड़ी सी दिक्कत आएगी मोड़ने में, ये देखो आप। वैसे इनको आदत ऐसे, ये देखो आप, दादी परेशान हो गई। कोई बात नहीं दादी, चल पड़ता है ऐसे में ना। आखिरकार बंदे ने पहुंचाई दिया ब्रो। तो गाइस, मेन चैलेंज तो ये है कि यहां से ऊपर कैसे चढ़ाया जाए। यस, तो एक बार आप ये चेकआउट कर सकते हो, इसमें चढ़ाना है ऊपर को। बाकी अब उस्ताद जी क्या बोलते हैं। हाँ भाई, क्या लग रहा है? ये तो पहले जाना पड़ेगा गियर तो देख ले, पंचो में चढ़ा सकता है। तो चलो देखते हैं, चेक करो आप यार। इजीली ब्रो, बहुत आराम से, इजीली, बहुत आराम से चढ़ा दिया भाई बंदे ने, बहुत आराम से चढ़ गया भाई। तो गाइस, हमने चैलेंज पूरा कर लिया हनी भाई का। बिल्कुल भाई, सामने व्यू भी देखो भाई, क्या मस्त एकदम जोंगा व्यू। फिलहाल अब मैं ट्राई मार रहा हूँ इसकी जुगनू में थोड़ी देर, और जानते होंगे आप इसको तो यार, रॉबिन पंडित बॉक्स। ऐसे राइडर बनेंगे भाई आप। बंदे ने फुट रेस्ट नीचे नहीं किया और बाइक चला रहे। वाह भाई वाह 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 वाह, ऐसे बंदी चाहिए हमारे को। कैसे बंदी चाहिए? ऐसे बंदी चाहिए, बिल्कुल ये।
चला थोड़ा ऊपर बाइक, ओवर एक्सीडेंट में तो खड़े उठ जाए गए माँ कसम से। सो गाइस जुगनू की ना आज पूरे हाल हो गए कसम से, सुबह से ही चल रहा है और वैसे भी हनी भाई की कमी पड़ गई थी इसमें। तो भाई इनको मैंने पूरा ही सिखा दिया बाइक चलाना, क्या याद रखें कि रॉबिन पंडित ने सिखाया बाइक चलाना। वो देखो ब्रेक के मारे और टायर रुक गया है, फिर भी मतलब वो देखो स्टंट देखो बंदे के। हाँ आगे ले जाना ब्रांडे में इसको। गाइस आप घर में तो बिल्कुल ये स्टंट ना करें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा जोखिम भरे होते हैं, कब क्या पता कब आपकी हत्या हो जाए इसमें, ठीक है। अच्छा और वहाँ देखो भाई बंदे कैसा लगा चला के भाई जी, मजा आ गया बिल्कुल, क्यों एकदम फील आ गया जोंगे इस जगह पे ना। मेरी बाइक अभी शायद तीसरी बार आ गई है, दो बार में पहले भी आया उस टाइम ये नहीं थे यहाँ पर, वहाँ पे तो नहीं गई थी ना निचले रोड, नहीं नीचे पहली बार ले गई मैंने, वहाँ पे तो फर्स्ट टाइम उतारा बंदे को मैंने, ये फट्टू है ना। हाँ मैं फट्टू जिसने ले गई बंदों की फटकी भाई देखते हुए, पर वहाँ तो फटनी थी भाई, आज तो मौत की मुझसे वापिस आया हूँ। और पूरी ड्रिफ्ट लग के आगे तक आ गया, तो सोचो जैसे तूने बोला था ना मेरे को ब्रेक मार दी, तो मैंने ब्रेक मार दी क्योंकि वहाँ पे वो बिल्ली ने रास्ता काट दिया था ना, पहले मैंने सोचा पीछे मारता हूँ थोड़ी ब्रेक, और जैसे ही मैंने ब्रेक मारी ना अगर वो इधर साइड को कटता ना पीछे से तो मैं उधर चलेंगे ना स्पीति बिल्कुल सारे, बस यहीं से सिखा के रखा है मैंने अब कैसे कैसे चलाते हैं, बाकी बंदे समझ जा रहे हैं। आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो इसको ज्यादा ज्यादा शेयर करना और लाइक शेयर कमेंट और अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना क्योंकि हनी भाई सबको रिप्लाई देते हैं, आप कमेंट कर देना मेरे भाई, ठीक है। फोन नहीं उठाता हूं वो बात अलग है, पर ऐसा है कि आप लोगों को रिप्लाई जरूर कर देते हैं भाई बंदे। तो उम्मीद है आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा, बाकी अपना ध्यान रखना और एक बार आपको हम सामने का व्यू दिखाते हैं कैसा है, ठीक है। ऑसम व्यू गाइस।